हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। देखिए, आज मुकाबला है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का तीसरा मैच। देखिए, फाइनली जो है पाकिस्तान जो है सीरीज़ जीत चुका है। आज जो है एक्सपेरिमेंट का मुकाबला होगा, तो आपको लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट करके चलना होगा। वो लोग पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे बचे हुए हैं। देखिए, मोहम्मद रिजवान, निकोलस पुरन, फाइनली मैं दोनों मैचों में क्लीन स्वीप कर चुका हूँ। देखिए, विकेट कीपर सेक्शन में आपको मोहम्मद रिजवान दिखेंगे, निकोलस पुरन दिखेंगे और साई होप दिखेंगे। तो आज जो है आप जीएल अगर आप खेलते हैं, तो जीएल आप कब जीत सकते हैं, जब तक आप जो है लोवेस्ट परसेंटेज के खिलाड़ी को चूज नहीं करेंगे, तो अब तक आप जीएल नहीं जीत सकते हैं। तो आज जो है दुनिया भर के लोग मोहम्मद रिजवान को लेके जा रहे हैं। तो देखिए, एक कब आउट हो सकते हैं कोई नहीं जानता। तो जो है आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं, तो आप मोहम्मद रिजवान के साथ ज़रूर जाइए। लेकिन आप अगर जीएल खेल रहे हैं, मिनी जीएल या फिर ग्रैंड जीएल, तो आप जो है निकोलस पुरन और साई होप के साथ भी जा सकते हैं। ये रहा आपका कंप्लीट एनालिसिस विकेट कीपर वाला सेक्शन। देखिए जो है आप यहाँ से देखिए, ये मोहम्मद रिजवान दोनों जो है डीटी रहा है दोनों मैच में, और निकोलस पुरन को देखते हैं एक मैच में। इन्होंने पिछले मैच में देखिए क्या जो है एक रन आउट कराया था। और ये देखिए साई होप जो है 31 रन ज़रूर बनाए थे पहले मैच में, लेकिन जो है डीटी का मेंबर नहीं बन पाए थे। और बात करेंगे बैटिंग वाले सेक्शन की। देखिए, बाबर आजम जो है धमाल आज मचा सकते हैं। देखिए, दोनों मैच में जो है इन्होंने निराश किया है। इनका जो है कैप्टन परसेंटेज हाई रहा है, लेकिन इन्होंने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और देखिए, ब्रेंडन किंग को इन्होंने जो है पिछले मैच में क्या क्लीन स्वीप करवाया, बंदा जो है कितने खतरनाक इनिंग खेल के गया। देखिए, 95 पॉइंट आपको दिया, लेकिन पहले मैच में नहीं चलाता। तो टीम में प्रेफर करने के लिए बोलूँगा ब्रेंडन किंग को। आप बाबर आजम को परसेंटेज देखिए कितना घट गया है, लेकिन आप जो है ड्रॉप नहीं कर सकते बाबर आजम को। और फ़खर जमान जो है इनके लिए आज बिनू बढ़िया रहेगा। ये जो है कभी कभी अच्छी पारी है जो खेल जाते हैं, तो आप भी जो है फ़खर जमान को लेके फेयर करता हूँ। तो और यहाँ से ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपको सदाब खान मिलेंगे, और जो है इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद नवाज और आर सेफर्ड, ये भी जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों सेक्शन से। देखिए, 2 पॉइंट हैं, तो इनको भी जो है टीम में लेके चलिए। मोहम्मद नवाज को भी, और पिछले मैच में ये भी डीटी के मेंबर रहे थे, नहीं रहे थे इन्होंने, 57 पॉइंट। और जो है सदाब खान देखिए क्या गजब की जो है पहले मैच में विकेट लिए थे। तो प्रिफेयर चल, शाहीन अफरीदी का बढ़िया नहीं चल रहा है, तो जो है आप शाहीन अफरीदी को कम लोग प्रिफेयर कर रहे हैं। देखिए, 76% हो गया है घट के, और ओ सीमित को तो लेके चलिए। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बॉलिंग करती है, तो आप ओ सीमित को ड्रॉप नहीं कर सकते। और हेडन वाल्स को ले, और जो है इनको मोहम्मद वसीम, ये जो है इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। अगर पाकिस्तान टीम की जो है टीम पहले बॉलिंग करती है या फिर बैटिंग करती है, दोनों में जो है इनको आपको लेना ही लेना है। तो और हरीश रॉफ को भी ले सकते हैं, और यहाँ से तीन ही, और यहाँ ऑलराउंडर आप जो है बैट्समैन में कोई आप चूज नहीं कर पाएंगे। आप जो है साई होप के साथ जाइए, या फिर आप चले जाइए इनके साथ। तो आपको बॉलर के साथ, एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ हुसैन के साथ चले जाइए आप। देखिए, कुछ टीम का हो
स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, और मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के प्रेफर के लिए बोलूँगा। देखिए रिजवान को 25% लोगों ने प्रेफर किया है, शताब खान को 11। मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, अगर जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप मोहम्मद वसीम को कैप्टन और वाइस कैप्टन बाबर आजम को आज बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम वहाँ पे मिलेगी टॉस होने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।